तो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम खेलने वाले हैं इंडियन ट्रेन क्रॉसिंग 3D। और आज मैं फिर से आ चुका हूँ रेलवे स्टेशन के पास, और आज हम करने वाले ऑन ड्यूटी, मतलब छोटी मोटी ड्यूटी करने वाले। चलो पहले अपने कार पार्क करते हैं यहाँ पे। भाई क्या ड्रिफ्ट मार के मैंने कार जो यहाँ पे पार्क किया ना, इस बात पर एक वीडियो को लाइक बनता है जब करके हो। तो गाइस आज की वीडियो में हम ऑन ड्यूटी करने वाले हैं, मतलब ड्यूटीज़, मतलब जैसे कि सिग्नल देना, ट्रैक चेंज करना वगैरह वगैरह, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। मतलब कार ज़्यादा दूर पार्क कर दी, मतलब थोड़ी रिवर्स लेकर आते हैं और उसको यहाँ पे पार्क कर देते हैं, क्योंकि कार की मेरे को जो ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और भाई साहब तो भाई यहाँ पे एक महामना एक्सप्रेस जो है आके लगी हुई है, और हमारी जो यहाँ पे आकर ट्रेन आकर चली भी गई, तो मेरे को पता भी नहीं चला। सामने से यहाँ पे एक ट्रेन और आ रही है, और ये लूप लाइन में नहीं लगने वाली, और ये जा चुकी है। सिग्नल मिल चुका है, और भाई पूरी एक्सप्रेस ट्रेन लग रही है कोई सी। तो मैं आपको बताऊंगा ये कौन सी एक्सप्रेस ट्रेन है, पहले उनको जो है इस ट्रेन का ज़्यादा खास कर ध्यान रखना होगा। तो इस ट्रेन को जो है ऐसे जाने का सिग्नल भी लग देना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रेन तो भाई बहुत मेन खास ट्रेन है, इसका मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा सेफ एंड ध्यान सिक्योर करना पड़ेगा। क्योंकि इस ट्रेन जो है हमारी वो रखे ना कौन सी दुरंतो एक्सप्रेस है ये वाली, तो दुरंतो का मेरे को खास कर ध्यान रखना पड़ेगा। दुरंतो जो है बीकानेर से जाती है हावड़ा, मतलब कोलकाता की साइड जाती है। हमारी महामना एक्सप्रेस भी अपना डिपार्ट कर चुकी है अपने निर्धारित समय पर। तो भाई साहब ये महामना के मतलब जो कोचिस होते हैं ना, तो भाई मैं जब रियल लाइफ में तो दिख जाए तो मैं ठीक पहचान लूँगा कि ये भाई महामना एक्सप्रेस ही है। पर पिक्चर में ये जो वार्निंग लिखी है ज्ञान की, मैं आपको बताता हूँ, पारक बिजली के तार, बिजली के तार मतलब 110 की स्पीड से चलती है भाई ट्रेन। और ये एल वी लगाता है गार्ड, मतलब पीछे की साइड एल वी लगाना बहुत ज़रूरी है, मतलब आप कुछ और मत समझ लेना। तो अभी यहाँ पे ट्रेन खड़ी है, तो चलो आगे चलते हैं। मतलब सिग्नल तो अपने आप इसको ट्रेन को जो है मिल जाएगा। भाई चलो ट्रेन के पास, मतलब अपनी कार के पास चलते हैं। पीछे वाली जो ट्रेन आने वाली है उसको जो है लूप लाइन में करवाना है हमको। आप लूप लाइन में तो समझते ही होंगे, तो मैं आपको उस ट्रेन को लूप करवाना है। तो चलो पहले आगे चलते हैं, तो आगे मिलते हैं हम। तो बस मैंने ट्रेन को जो है लूप करवा दिया है, ट्रेन के आने की इंतज़ार है बस मेरे को। हॉर्न कौन बजा रहा है यार, कौन सी ट्रेन आ रही है यहाँ पे, देखते हैं हॉर्न बजा रही है। यहाँ पे अपनी दुरंतो एक्सप्रेस डिपार्चर कर चुकी है, और हमारी ट्रेन भी आ चुकी है। इसको लूप करने के बाद मेरे को जो है ट्रैक जो है फिर से एक्सचेंज करना पड़ेगा। एक्सचेंज करके फिर मेरे को जो है मेन लाइन, ये जो लूप लाइन की ट्रैक है उसको मेन लाइन में करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ा अच्छा एक्सीडेंट भी हो सकता है यहाँ पे। ये देखो भाई ट्रेन जा रही है लूप लाइन में। तो बस अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ताकि सब्सक्राइब करो, और हाँ वीडियो को लाइक भी कर देना। आज की वीडियो का लाइक एम होने वाला है, मतलब 100-200 लाइक एम आज की वीडियो का होने वाला है, जैसे जल्दी लाइक कर दो। कब तक जाएगी ये लूप लाइन में, आके मैं पहले ही खड़े हो जाता हूँ। जैसे लूप लाइन में जाने के बाद मैं जो है ट्रैक चेंज कर दूँगा, ट्रैक चेंज होगा फिर मैं आगे जाकर इस ट्रेन की जो है सेकेंड ट्रेन में आगे जाने के लिए तैयार है कि नहीं। भाई यहाँ पे एक ट्रेन और आ चुकी है, तो ये है WAG-7। भाई लगता है किसी ने हॉर्न बजाया, लगता है कि ट्रेन यहाँ पे क्रॉस होने वाली है। और ये यहाँ पे लूप लाइन पे ये ट्रेन इसलिए लगी है क्योंकि पीछे से एक ट्रेन इसको क्रॉस करते हुए जाएगी। कब तक क्रॉस करेगी मैं आपको दिखाऊंगा। भाई पीछे से जो एक ट्रेन आ चुकी है, भाई मालगाड़ी आई है भाई पीछे से, मालगाड़ी लगता है क्रॉस करे हुए जाएगी, मतलब रुकेगी। हाँ ये क्रॉस नहीं करेगी, मेरे हिसाब से इसको रुकना चाहिए। हाँ रुकेगी, और जितनी देर रुकती है उतनी देर में इसको जो है सिग्नल देके ऐसे डिपार्ट कराते हैं। चलो उसको डिपार्ट पहले करवा देता हूँ। इसको डिपार्ट करवा देता यार, फिर एक्सीडेंट हो जाता खामो खाम, फिर मेरे को जो भाई नौकरी से निकाल देते ना। पहले जो है ये दोनों ट्रेनों का, इसका जो है लगभग 2 मिनट का और हॉल्ट है, और उसका सिर्फ 2-1.5 मिनट का ही है, ज़्यादा देर तक नहीं रुकती।
मैं कहता हूँ भाई ये पहले ये चली जाए, ये तो भाई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है यहाँ पे। तो भाई साहब ये क्या करूँ, वो भाई 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 इसको भी सिग्नल मिल गया, दोनों को एक के साथ सिग्नल मिला है। वो भाई मेरे को थोड़ा पीछे जाना चाहिए, पीछे 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 पीछे, रन 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 रन। वो भाई 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 क्या ही हो रहा है यार, मतलब दोनों ट्रेन आपस में जब टकरेंगी तो भाई दोनों ट्रेन जो पलट सकती है। उसमें तो पैसेंजर है, उसमें तो गुड्स ट्रेन है, मतलब माल लोड किया हुआ है इस ट्रेन में। तो अब इस ट्रेन को मैं जब रोक भी नहीं सकता हूँ भाई, क्या ही कर सकता हूँ। ओ भाई 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 ओ भाई क्या ही ट्रेन जो टकरी है ना, ओ भाई साहब पूरी गुड्स ट्रेन जो है उलट पुलट हो चुकी है हमारी ट्रेन। तो भाई यहाँ पे है हो चुका है बहुत बड़ा कांड, मतलब एक्सीडेंट। मैं उसको ये अपने आप डीकपल नहीं हुआ, मैं फिर फंस गया, मैं बाहर कैसे जाऊँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।